इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे ना, वही बहुत है उसके अंदर में। नेट इन्वेस्टमेंट क्यों घट, नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वे, हाँ वो घटता जाएगा ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर घटता चला जाएगा। जैसे अभी क्या होता है कि आप लोगों को मालूम होगा आरटीओ के अंदर क्या है कि किसी भी टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का रजिस्ट्रेशन 15 साल का होता है, तो 15 साल को ये मान के चलते कि गाड़ी जो है वो पूरा पूरा डेप्रिशिएट हो जाती है। तो 15 साल के बाद भी गाड़ी चलती है तो वो फिर गाड़ी का वेरिफिकेशन होता है, तो उसके अंदर वो पोटेंशियल देखते हैं उस हिसाब से होता है। अदरवाइज 15 साल के अंदर गवर्नमेंट जो है गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो वो जीरो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और अब लिखेंगे अपन नेक्स्ट हेडिंग, स्टैटिक, स्टैटिक कंपरेटिव स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। स्टैटिक कंपरेटिव स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, स्थैतिक तुलनात्मक स्थैतिक एवं प्रायोगिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस, ये जो स्टैटिक एनालिसिस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर है, पॉइंट ऑफ टाइम, समय के एक निश्चित बिंदु पर क्या बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए कि क्या बोलते हैं 9 o'clock पर क्या बोलते हैं मैं वेजिटेबल मार्केट गया और वहां पर मैंने टमाटो की प्राइस के ऊपर 5 kg टमाटर मैंने परचेज किए, तो वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस कहलाएगा। तो स्टैटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ टाइम पीरियड यानी एब्सेंस ऑफ टाइम लैग, यानी टी करंट डिमांड जो है करंट प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी करंट जो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो करंट टाइम के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी इसके अंदर भी कोई भी प्रीवियस पीरियड के ऊपर बात नहीं होगी। तो इसके अंदर लिखेंगे डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू श्यूम पीटर SCHUMPETER, अकॉर्डिंग टू श्यूम पीटर बाई स्टैटिक एनालिसिस वी मीन्स ए मैथड ऑफ, वी मीन्स ए मैथड ऑफ डीलिंग विद इकोनॉमिक फिनोमिना, डीलिंग विद इकोनॉमिक फिनोमिना दैट ट्राइज टू इस्टैब्लिश रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कॉमा प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी कॉमा ऑल ऑफ विच रेफर्स टू द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम। लिखेंगे प्रोफेसर शिमपुटर के अनुसार स्थैतिक विश्लेषण से हमारा अभिप्राय, स्थैतिक विश्लेषण से हमारा अभिप्राय आर्थिक घटना के अध्ययन से है, आर्थिक घटना के उस अध्ययन से है जो आर्थिक प्रणाली के विभिन्न तत्वों, जो आर्थिक प्रणाली के विभिन्न तत्वों जैसे कीमतों कौमा मात्राओं,
कीमतों कौमा मात्राओं में संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है इन तत्वों का संबंध समय की एक समय के एक अवधि से होता है फॉर एग्जाम्पल डी टी इज ए फंक्शन ऑफ पी टी डी टी इज ए फंक्शन ऑफ पी टी वेयर डी टी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इन करंट पीरियड एंड प्राइस पी टी प्राइस ऑफ ए गुड इन करंट पीरियड लिखेंगे दस दस स्टैटिक एनालिसिस रेफर्स टू दैट दस स्टैटिक एनालिसिस रेफर टू दैट वेयर वी इस्टैब्लिश द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेयर we establish the functional relationship between two variables whose value relate to the same point of time लिखेंगे स्थैतिक विश्लेषण वह विश्लेषण होता है जिसमें जिसमें दो चलराशियों के मध्य पाए जाने वाले संबंध समय के एक निश्चित बिंदु पर निर्धारित होते हैं फिर लिखेंगे फीचर्स ऑफ स्टैटिक एनालिसिस स्थैतिक विश्लेषण की विशेषताएं लिखेंगे फर्स्ट टाइमलेस समय रहित समय रहित सेकंड लिखेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम संतुलन की दशाएं थर्ड लिखेंगे नो प्लेस फॉर अनसर्टेनिटी लिखेंगे अनिश्चितता के लिए कोई स्थान नहीं
तो यानी क्या कि स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, टाइमलेस होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर जितनी भी जो कंडीशंस होती है पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जो भी जो टू वेरिएबल्स हैं या टू एंड मोर देन टू वेरिएबल्स हैं, वो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होते हैं। थर्ड हमने बताया कि अनएक्सपेक्टेशंस या सॉरी अनएक्सपेक्टेशंस और अनसर्टेनिटी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसके अंदर लिखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक एनालिसिस को अपन बात करें। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डीटी इज ए फंक्शन ऑफ पीटी, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एसटी इज ए फंक्शन ऑफ पीटी, सो इक्विलिब्रियम डी टी इज इक्वल टू एस टी। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स टू सेक्टर इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सो सी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एस। फिर लिखेंगे इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस स्थैतिक विश्लेषण की, स्थैतिक विश्लेषण के प्रयोग
लिखेंगे, यानी कहने का मतलब हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक एनालिसिस को कहाँ कहाँ पर यूज में लिया गया है। फर्स्ट लिखेंगे, कई बार ये कह देते हैं कि राइट डाउन द टू स्टैटिक एनालिसिस एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक्स, तो फिर वह उसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये चीजें आ जाती है। तो फर्स्ट लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज गिवन बाई रॉबिन्स इज स्टैटिक। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज गिवन बाई रॉबिन्स रॉबिन्स इज स्टैटिक। रॉबिन्स द्वारा दी गई, पहला पॉइंट, रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा स्थैतिक है। सेकेंड लिखेंगे थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन कीमत निर्धारण के सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत। नेक्स्ट लिखेंगे मैनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक फ्री ट्रेड रेंट, लाइक फ्री ट्रेड कॉमा रेंट कॉमा प्रॉफिट कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मोनोपोली, मोनोपोली लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एटसेट्रा आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। लिखेंगे एक निश्चित, सॉरी, कई महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत, कई महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत जैसे स्वतंत्र व्यापार कौमा लाभ कौमा लगान कौमा राष्ट्रीय आय का वितरण कौमा एकाधिकार कौमा हासमान सीमंत उपयोगिता का नियम, हासमान सीमंत उपयोगिता का नियम आदि आदि स्थैतिक विश्लेषण की सहायता से आदि का स्थैतिक विश्लेषण की सहायता से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, स्टैटिक एनालिसिस इज यूज टू स्टडी द, स्टैटिक एनालिसिस इज यूज टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल यूटिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। सीमांत लागत सीमांत आय सीमांत उपयोगिता आदि में भी स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे मैनी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ट्रेड साइकिल, मैनी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ट्रेड साइकिल आर आल्सो बेस्ड ऑन, आर आल्सो बेस्ड ऑन स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस। व्यापार चक्र के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत, व्यापार चक्र के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत इस धारणा पर आधारित हैं। नेक्स्ट लिखेंगे केन्स आल्सो मेड यूज ऑफ स्टैटिक एनालिसिस,
यूज ऑफ स्टैटिक एनालिसिस टू स्टडी मैनी कॉन्सेप्ट ऑफ हिज मैनी कॉन्सेप्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कॉमा लिक्विडिटी प्रिफरेंस एटसेट्रा कॉमा लिक्विडिटी प्रिफरेंस एटसेट्रा लिखेंगे। केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में विभिन्न धारणाओं जैसे उपभोग प्रवृत्ति तरलता अधिमान आदि के अध्ययन में इस धारणा का प्रयोग किया। तो स्टैटिक एनालिसिस के अंदर बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक्स से थ्योरीज हैं वो इसके अंदर एप्लीकेबल होती है। अब लिखेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ स्टैटिक एनालिसिस स्थितिक विश्लेषण के महत्व। पॉइंट पॉइंट लिखेंगे, सिंपल सरल नॉलेज ऑफ इक्विलिब्रियम संतुलन का ज्ञान। थर्ड लिखेंगे बेसिस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस गत्यात्मक विश्लेषण का आधार। लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। सबसे पहले लिखेंगे अवास्तविक मान्यताएं। नेक्स्ट लिखेंगे नैरो स्कोप सीमित क्षेत्र नॉट ए स्टडी ऑफ प्रोसेस। प्रक्रिया के अध्ययन में सहायक न होना यानी जो प्रोसेस है कि कोई चीज कैसे मूव करती है तो उसके बारे में कोई ये बात नहीं करता है यानी अनरियलिस्टिक है यानी स्टैटिक है यानी क्या। टू वेरिएबल्स एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इक्विलिब्रियम हो गया तो वो हो गया, अपन उसको कहें कि सब ऐसा क्यों हुआ तो उसके पीछे कोई रीजंस नहीं है। अजम्पशंस जो है इसकी वो बिल्कुल यूनिक अजम्पशंस हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर तो समय आपने निश्चित कर दिया, उस टाइम की जो कंडीशंस होंगी वो रियलिस्टिक नहीं होंगी, बिहेवियर के अंदर वो उसको यूज में नहीं लिया जा सकता। नैरो स्कोप स्टैटिक एनालिसिस जो है वो केवल पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर है, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेट हम उसको कंपैरेटिव स्टडी और डायनेमिक स्टडी कर सकते हैं। फिर आते हैं नॉट ए स्टडी ऑफ प्रोसेस, यानी प्रोसेस की स्टडी नहीं करता है। अब हेडिंग डालेंगे इसके अंदर कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस।
कंपरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। ये भी क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर होता है, समय के एक निश्चित बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर होता है, समय के एक निश्चित बिंदु पर। यानी इसके अंदर क्या होता है, टू एंड मोर देन टू स्टैटिक एनालिसिस, दो या दो से अधिक स्थैतिक विश्लेषणों का क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसका कंपेरिजन करते हैं। जैसे सुबह अपन वेजिटेबल मार्केट में गए तो प्राइसेस क्या थी, इवनिंग में हम गए तो प्राइसेस क्या है, तो उसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करना पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो कहलाता है क्या, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। लिखेंगे दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 1807 बाय प्रोफेसर ओपन हीमर ए जर्मन इकोनॉमिस्ट। लिखेंगे इस विश्लेषण का प्रतिपादन करने का श्रेय, इस विश्लेषण का प्रतिपादन करने का श्रेय जर्मन अर्थशास्त्री ओपन हीमर ने 1807 में किया, 1807 में किया। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लिप्से कंपैरेटिव स्टैटिक इन्वॉल्व्स ए कंपैरिजन ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, विद द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू द चेंज इन सम इकोनॉमिक वेरिएबल्स। लिखेंगे लिप्से के अनुसार तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत कुछ आर्थिक चलराशियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संतुलन स्थितियों में परिवर्तन की तुलना करना कहलाता है। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ये डीटी है, ये आपके पास एसटी है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये प्राइस ऑफ टी है, ये क्वांटिटी ऑफ टी है। बट कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, तो
तो डेफिनेटली डिमांड कर्व जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन होगा। वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन होगा उसका कंपेयर करना कि वो किसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ठीक है। व्हेन व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज इंक्रीजेज देन डिमांड कर्व इज शिफ्ट अपवर्ड एंड रिजल्टेंट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं। अब बात करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये आपके पास हो गया एग्रीगेट डिमांड वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब क्या हुआ कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी डेल्टा आई, ये आपके पास क्या है इन्वेस्टमेंट है और ये आपके पास क्या है इनकम के अंदर वेरिएशन है। चेंज इन इनकम सॉरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉइंट शिफ्ट E0 टू E1 ड्यू टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ड्यू टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो कहलाता है हमारा
लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस महत्व लिखेंगे फर्स्ट डेविड रिकार्डो वाज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ वाज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ कंपरेटिव स्टैटिक एनालिसिस लिखेंगे डेविड रिकार्डो तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण के महान समर्थक थे, क्योंकि रिकार्डो ने जो रेंट थ्योरी दी थी जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया हुआ है तो उसके अंदर यही था कि क्या बोलते हैं जो लैंड का जो उन्होंने क्या बोलते हैं ग्रेड डिसाइड किया था ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड, तो वो उसी टाइम कंपरेटिव स्टडी के अंदर ही स्टडी किया था। तो ए ग्रेड की जो लैंड थी वहां पर क्या बोलते हैं रेंट अवेलेबल है, बी ग्रेड की रेंट कम अवेलेबल है, एक ऐसी लैंड है जहां पर क्या बोलते हैं इसको मार्जिनल लैंड बोलते हैं जहां पर रेंट जो है वो जीरो है। सेकंड लिखेंगे मार्शल आल्सो यूज्ड कंपरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, मार्शल आल्सो यूज्ड कंपरेटिव स्टैटिक एनालिसिस इन ऑर्डर टू स्टडी इक्विलिब्रियम प्राइस मार्शल ने भी संतुलन कीमत मार्शल ने भी संतुलित कीमत मार्शल ने भी संतुलित कीमत के निर्धारण में संतुलित कीमत के निर्धारण में तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन किया तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन किया। नेक्स्ट लिखेंगे लॉर्ड केन्स आल्सो यूज्ड लॉर्ड केन्स आल्सो यूज्ड यूज्ड दिस मेथड ऑफ एनालिसिस दिस मेथड ऑफ एनालिसिस इन हिज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इन हिज लिखेंगे लॉर्ड केन्स ने भी अपने रोजगार सिद्धांत में लॉर्ड केन्स ने भी अपने रोजगार सिद्धांत में अपने रोजगार सिद्धांत में इस विधि को अपनाया था। फिर लिखेंगे लिमिटेशंस फर्स्ट लिखेंगे इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस मेथड इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस मेथड एज टू व्हाट पाथ इकोनॉमिक वेरिएबल्स विल अडॉप्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स विल अडॉप्ट इन ऑर्डर टू रीच फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू रीच फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द अदर इक्विलिब्रियम टू द अदर। लिखेंगे इस विधि द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि इस विधि द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि
एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त करने के लिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आर्थिक तत्व अपना कौन सा मार्ग, आर्थिक तत्व अपना कौन सा मार्ग अपनाएंगे? लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड प्रेजेंट ओनली, दिस मेथड प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट ओनली ए पार्शल व्यू ऑफ द, ए पार्शल व्यू ऑफ द चेंजेस इन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इकोनॉमी। लिखेंगे यह प्रणाली अर्थशास्त्र में, यह प्रणाली अर्थशास्त्र में होने वाले परिवर्तनों का, होने वाले परिवर्तनों का केवल आंशिक, केवल आंशिक परिदृश्य ही प्रस्तुत करती है, आंशिक परिदृश्य ही प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट फॉर्म आता है इसके अंदर, और नेक्स्ट इसको लिमिटेशन है, लिखेंगे नॉलेज ऑफ सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नॉलेज ऑफ सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सच एज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और ऑफ ट्रेड साइकिल, और ऑफ ट्रेड साइकिल इज ट्रेड साइकिल एटसेट्रा, एटसेट्रा is not gained by this, is not gained by this analysis, this analysis। लिखेंगे कई आर्थिक समस्याओं जैसे, कई आर्थिक समस्याओं जैसे आर्थिक विकास की समस्या, आर्थिक विकास की समस्या, व्यापार चक्र आदि का ज्ञान, व्यापार चक्र आदि का ज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता, इससे प्राप्त नहीं होता। यानी ये जो है केवल और केवल दो पॉइंटों के बीच में हो रहा है, लेकिन किस तरह से, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उसके बारे में ये क्या बोलते हैं, नॉलेज नहीं मिलता है। अब लिखेंगे डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस प्रावेगिक विश्लेषण, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर शुमपीटर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर शुमपीटर SCHUMPETER डायनेमिक इकोनॉमिक, डायनेमिक इकोनॉमिक कनेक्ट इकोनॉमिक क्वांटिटीज, कनेक्ट इकोनॉमिक क्वांटिटीज दैट रेफर्स टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, दैट रेफर्स टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। प्रावेगिक अर्थ विश्लेषण उन आर्थिक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है, शुमपीटर के अनुसार प्रावेगिक विश्लेषण उन आर्थिक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है
जिनका समय की विभिन्न अवधियों से, जिनका समय की विभिन्न अवधियों से संबंध होता है। एक और डेफिनेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे आर हिक्स, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे आर हिक्स, इकोनॉमिक डायनेमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डायनेमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वेयर एवरी क्वांटिटी मस्ट बी डेटेड, एवरी क्वांटिटी मस्ट बी डेटेड। लिखेंगे प्रायोगिक विश्लेषण वह विश्लेषण है, प्रायोगिक विश्लेषण वह विश्लेषण है जिसमें तिथिकरण को निर्धारित करना, तिथिकरण को निर्धारित करना आवश्यक है। लिखेंगे दस डायनेमिक्स इज ए मेथड, दस डायनेमिक्स इज ए मेथड विच टेक्स इनटू अकाउंट, विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द चेंजेस, ऑल द चेंजेस कॉमा लैग्स कॉमा सीक्वेंस, लैग्स कॉमा सीक्वेंस कॉमा क्यूमुलेटिव मैग्नीट्यूड्स एंड इवन एक्सपेक्टेशन, एंड इवन एक्सपेक्टेशन, इवन एक्सपेक्टेशंस। लिखेंगे अतः प्रायोगिक विश्लेषण एक ऐसी विधि है, अतः प्रायोगिक विश्लेषण एक ऐसी विधि है, विधि है जिसमें सभी परिवर्तनों कॉमा विलंबताओं, विलंबताओं कॉमा अनुक्रमों, कॉमा अनुक्रमों कॉमा संचयी परिमाणों, संचयी परिमाणों कॉमा यहां तक कि सभी आशंसाओं को, यहां तक कि सभी आशंसाओं एक्सपेक्टेशंस को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता